माइनक्राफ्ट हार्डकोर मोड। माइनक्राफ्ट का एक ऐसा मोड जिसके अंदर अगर प्लेयर एक बार भी मरता है तो उसके लिए वो वर्ल्ड वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन क्या कभी तुम लोग ने ये सोचा है कि तुम्हारे लिए तो वर्ल्ड खत्म हो गया, लेकिन उस वर्ल्ड के अंदर रह रहे एंटिटीज का क्या? मतलब हो सकता है तुम्हारे हार्डकोर वर्ल्ड में तुमने एक पेट डॉग रखा हुआ हो, तो तुम्हारे मरने के बाद उस डॉग के साथ क्या होता है, कभी ये सोचा है? तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड एक माइनक्राफ्ट का मिथ टेस्ट करने वाले, एक स्केरी माइनक्राफ्ट मिथ टेस्ट करने वाले है कि एक्चुअली में तुम्हारे पेट के साथ या उस वर्ल्ड के एंटिटीज के साथ क्या होता है। तो आगे मैं इसके बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग एक हार्डकोर वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। सो यस गाइस, अभी हम लोग फटाफट से यहाँ पे वर्ल्ड को कर लेते हैं क्रिएट, जो कि मैंने हार्डकोर मोड में करने वाला हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने नए से हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर। एंड अभी जो सबसे पहला काम है ना, वो भाई एक विलेज को ढूंढना, क्योंकि उसी विलेज के अंदर जो आयरन गोलम होगा ना, हम लोग को भाई उसी को देखना है कि क्या हमारे मरने के बाद वो आयरन गोलम किसी खतरनाक से एंटिटी के अंदर कन्वर्ट होता है या फिर नहीं। एंड मैं नीचे गिर गया। ओके, तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे मैं एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो माइनक्राफ्ट क्रीपी पास्ता की एक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब भी भाई प्लेयर माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर मर जाता है, तो उसके मरने के बाद किसी ग्लिच या फिर किसी अजीब से कोड के कारण जो आयरन गोलम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक अजीब से एंटिटी में, जिसका नाम है ब्लड गोलम। अब इस ब्लड गोलम को देखे जाने का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे उसी सबूत को इकट्ठा करने आए हैं। ओके गाइस, तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, थोड़ी देर मेहनत करने के बाद मुझे विलेज मिल गया है। अब तुम लोग को ही पता है भाई हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इस विलेज के पूरे चंक को अच्छी तरीके से लोड कर लेता हूँ, उसके बाद हमें मर जाना है। एंड यही है वो चीज भाई जिसपे हम लोग को ध्यान रखना है मरने के बाद, जो कि आयरन गोलम। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया भाई, हो सकता है बहुत ही रेयर चांसेस में कि जो हमारा आयरन गोलम है वो इस हार्डकोर वर्ल्ड में भाई एक ब्लड गोलम के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मैंने इसको अच्छी तरीके से लोड कर लिया है पूरे को, और अब यहाँ पे बारी है मरने की। तो जैसा कि तुम लोग ने देखा, यहाँ पे सारे हार्डकोर प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ से भी हम लोग कुछ चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्पेक्टेट वर्ल्ड कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ से क्विट कर सकते हैं। लेकिन स्पेक्टेट वर्ल्ड में हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते उस वर्ल्ड को, बस हम लोग उसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा स्पेक्टेट वर्ल्ड के अंदर। तो अगर हम लोग इस वर्ल्ड को यहाँ से जाते हैं एंड ओपन कर देते हैं लैन से, उसके बाद यहाँ पे अलाउ चीट्स ऑन कर देते हैं, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएटिव मोड का एक्सेस ले सकते हैं। एंड ये देखो, यहाँ पे मैं वापस से उसी विलेज के अंदर आ चुका हूँ। यही वो जगह थी जहाँ पे मैं ठीक मरा था, और यही वो आयरन गोलम है जिसको हम लोग को देखना है, क्या ये ट्रांसफॉर्म होता है ब्लड गोलम के अंदर या फिर नहीं। ओके, तो इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने अपने पीसी को एएफके छोड़ दिया इस आयरन गोलम के ऊपर नजर रखने के लिए, लेकिन भाई उस समय की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो किसी वियर्ड कारण की वजह से कर्स्ड हो चुकी है। मतलब वो करप्ट भी नहीं हुई है भाई, वो पूरी तरीके से कर्स्ड हो चुकी है। मैं तुम्हें इस रिकॉर्डिंग को प्ले करके भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे अभी। एंड ये भाई पहली चीज है जो इस वर्ल्ड में हमारे साथ, तो ये वियर्ड, तो क्या हम लोग इसको पहले साइन की तरह देख सकते हैं कि एक्चुअली में इस वर्ल्ड के साथ कुछ ना कुछ कर्ज तो है। तो मेरी रिकॉर्डिंग में तो कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाया था, लेकिन जब मैंने वर्ल्ड में वापस जाके गोलम को देखा तो भाई उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए थे। तो कि गाइस, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, अभी हो गई रात, लेकिन अभी भी इस गोलम के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आए। इतनी देर से मैंने इसको ऐसे छोड़ा हुआ था, मेरे को तो कुछ भी चेंजेस नहीं दिखे इस गोलम के अंदर अभी तक। लेकिन अभी इतनी देर में मैंने एक और चीज फाइंड आउट करी कि जो सबसे पहला ब्लड गोलम है उसको भी देखा गया था नेदर के अंदर। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई है, हम लोग जाते हैं नेदर के अंदर एंड कुछ गोलम को स्पॉन करके थोड़ी देर के लिए वहीं पे छोड़ देते हैं, एंड उसके बाद देखेंगे क्या भाई उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं या फिर नहीं। एंड उसी के साथ साथ मेरे को एक और चीज पता चली कि अगर हम लोग को ब्लड गोलम को सच में अपने वर्ल्ड के अंदर देखना है, तो हमें अपने कंप्यूटर के साथ भी कुछ चीजें करनी पड़ेगी। जैसे कि भी हमें अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने वाली सारी चीजों को हटा देना है, जैसे कि जो भी एंटीवायरस वगैरह होते हैं या फिर जो विंडोज प्रोटेक्ट होता है हमें उसको ऑफ कर देना है, जैसे कि अगर कोई वायरस एक्चुअली में अटैक करना चाहे हमारे कंप्यूटर के ऊपर तो वो कर सकता है, एंड ये बहुत ही ज्यादा रिस्की भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद भाई मैं फटाफट से गया नेदर के अंदर, एंड वहां पे जाके मैंने गोलम्स को स्पॉन करना स्टार्ट कर दिया। एंड यहां पे मेरे साथ एक और वियर्ड चीज हुई, जब मैंने भाई गोलम को यहां पे स्पॉन किया तो उस टाइम मैंने यहां पे 5 गोलम स्पॉन किए थे, जैसा कि तुम लोग रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। तो अभी तुम इस नंबर को याद कर लो, क्योंकि आगे जाके इस नंबर से रिलेटेड ही कुछ वियर्ड होने वाला है। तो आगे जैसे कि मैं ओवरवर्ल्ड में आया था देखने के लिए इस गोलम को, तो इसके अंदर भी मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ पे हमारे गोलम के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आए अभी तक। तो हम लोग वापस से चलते हैं नेदर में, हो सकता है नेदर वाले गोलम्स के अंदर कुछ चेंजेस आए हो। मतलब अभी तक तो बिल्कुल भी चेंजेस दिख नहीं रहे इनके अंदर कुछ भी, थोड़ा और वेट करके देखते हैं, काम करते हैं। एंड तभी मैं कुछ नोटिस करता हूँ। एंड वेट भाई, अभी अभी मेरे दिमाग में चीज आई है कि मैंने यहाँ पे आई थिंक 5 गोलम स्पॉन किए थे, एंड अगर तुम लोग अभी देखोगे तो केवल यहाँ पे 4 ही दिख रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं ना रिकॉर्डिंग देख के आता हूँ पहले की, तो उससे मेरे को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी एक्चुअली मैंने कितने गोलम स्पॉन किए थे।
ओके गाइस वेट, मैंने अभी अभी रिकॉर्डिंग देखी है एंड मेरे को पता चला है मैंने यहाँ पे एक्चुअली में 5 गोलम स्पॉन किए थे, लेकिन अभी तुम लोग देख पा रहे होगे केवल 4 ही गोलम्स है यहाँ पे, मतलब इसमें से एक गोलम यहाँ पे गायब हो चुका है। वेट, मेरे को ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से निकलने की तो कोई चांस ही नहीं बनती भाई। अगर तुम लोग सोचो कि भाई वो कभी लावा वगैरह में गिर जाओ तो यहाँ से निकलने का कोई भी चांस नहीं बनता है। फेंस लगी हुई है, फेंस को ये लोग मतलब पार नहीं कर सकते हैं, ये लोग इसके अंदर ही है जब से तीनों चारों, एंड पांचवा भी था बट पांचवा गोलम अब यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ गया उसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो ब्लड गोलम के बारे में रिसर्च करते टाइम मुझे जितनी चीजें मिली थी उतनी कुछ तो नहीं हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी उसके अंदर तो, बट यहाँ पे केवल हमारा एक गोलम गायब हुआ है। तो क्या तुम लोग को लगता है कि इस गोलम के गायब होने को हम लोग ब्लड गोलम से कनेक्ट कर सकते हैं? आई मीन देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने ब्लड गोलम को ढूंढ लिया या फिर मुझे ब्लड गोलम मिल गया, क्योंकि अभी मुझे इस वर्ल्ड में और भी टाइम स्पेंड करना है, हो सकता है आगे जाके मुझे कुछ ऐसा क्लू मिले जिससे मैं ये कंफर्म कर पाऊँ कि मैंने ब्लड गोलम को ढूंढ लिया है। बट अभी तो हमारे पास केवल इतना क्लू है कि भाई जो हमारे 5 गोलम्स हुआ करते थे इस वर्ल्ड के अंदर वो अब केवल 4 रह गए। एंड नेदर में ये सारी चीजें होने के बाद जब मैं ओवरवर्ल्ड में पहुंचा तो भाई उसके बाद मुझे और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज देखने मिली। तो ओवरवर्ल्ड में जाने के बाद मैंने देखा कि जो हमारा विलेज था भाई वहां से सारे के सारे विलेजर्स गायब है, और इवन जो भाई हमारा गोलम है जिसके ऊपर हम लोग शुरू से नजर बनाए हुए वो भी वहां पे नहीं है। अब इसको किस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाए ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस टाइप की वियर्ड एक्टिविटीज कभी मेरे साथ किसी नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं हुई है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें इन सारे इवेंट्स को ब्लड गोलम के साथ जोड़ना चाहिए या फिर इन सभी को भाई कोइंसिडेंस बोल के भूल जाना चाहिए? इसका आंसर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी हाँ यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो जरा भी पसंद नहीं हो तो लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो यार, क्योंकि तुम लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक नहीं करते हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो इसी टाइप की अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो अगर फ्यूचर में। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली धमाकेदार वीडियो में, टिल देन पीस आउट, बाय बाय। अरे भाई जाओ, वीडियो सब खत्म हो गई।